नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। कोरोना के चलते 21 दिन के लॉकडाउन ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे लॉकडाउन कब खुलेगा, क्या हमें रोड पर निकलने की आज़ादी है, क्या सारी दुकानें खुल जाएंगी, स्कूल कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे, ऐसे कई सारे सवाल हैं। हम सारे सवालों पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग महाराष्ट्र में ही पाए गए हैं। जैसे कि आप ये चार्ट देख सकते हैं, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कितने लोगों की मौत हो चुकी है और कितने लोग अब तक ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन 14 अप्रैल तक है, तो क्या लोग उसके बाद आज़ाद घूम पाएंगे जैसे हमेशा घूमते थे? सभी के जहन में यही सवाल है। 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होने का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, ये सवाल पूछने वालों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। उड़ीसा ने तो लॉकडाउन जारी करने का फैसला किया है, मगर अधिकतर राज्यों ने केंद्र के फैसले का वेट करना ही जरूरी समझा है। सूत्र के मुताबिक अगर 14 तारीख का लॉकडाउन खुलता है तो कुछ शर्तों के साथ ही खुलेगा। अब वो शर्त क्या है, इसका अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है। आपको बाहर जाने की इजाज़त तो मिल सकती है, मगर नियम बेहद ही सख्त होंगे। अब आपको बता दें कि आखिर सरकार क्या सोच रही है। कोविड-19 को लेकर बने मंत्री समूह को लेकर मंगलवार को बैठक हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले इस समूह ने ऑड इवेंट लागू करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों की संख्या तय करने जैसा सुझाव भी दिया है। आपको बता दें कि ऑड इवेंट रूल क्या है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने बीते महीने ऑड इवन नियम की घोषणा की थी। इस नियम के मुताबिक महीने के विषम अंक की तारीख पर दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ ऑड अंक से खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों की चलाने की अनुमति है। यह फैसला पहले भी लिया गया था जब प्रदूषण के मामले दिल्ली में बढ़ रहे थे। इस बीच स्टेट बॉर्डर खुलने की संभावना कम है। 14 अप्रैल के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य आप बिना किसी रोक टोक के जा सके, इसकी संभावना बेहद ही कम है। एक अधिकारी ने कहा है कि स्टेट बॉर्डर खोलने का फिलहाल सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कुछ इलाके के लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त दी जाती है तो उन पे ऑड इवन लागू होगा। क्या स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे? मंत्री समूह ने सिफारिश की है कि मॉल और स्कूल 15 मई तक बंद रखे जाए और फिलहाल धर्म स्थलों पर भी रोक जारी है। क्या जरूरी चीजों की दुकान खुल जाएंगी? ट्रेन, मेट्रो और फ्लाइट का सफर फिर शुरू होने का रास्ता भी दूर ही दिखाई दे रहा है। सरकार केमिस्ट, किराना स्टोर के साथ साथ कुछ और जरूरी चीजों की दुकानों खोलने की छूट दे सकती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉकडाउन बढ़ेगा? फिलहाल केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि लॉकडाउन को 21 दिन से आगे बढ़ाया जाए या नहीं। दरअसल राज्य सरकारों से और एक्सपर्ट से ऐसे सुझाव मिले हैं कि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुँचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।